उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के 3 सदस्यों ने सीएम योगी को पत्र लिखकर मांग रखी कि यूपी के मदरसों के कामकाज उर्दू के साथ हिंदी में भी किए जाएं। उनका कहना है कि मदरसों में उर्दू में लिखे गए कामकाज इनकी समझ से परे हैं। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन तनवीर हैदर उस्मानी ने सख्त आदेश जारी किए थे कि कोई भी आयोग का सदस्य मदरसों की जाँच पर नहीं जाएगा। प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया है और वहाँ पे हम लोगों ने मदरसों को देखा और अल्पसंख्यक संस्थाओं को देखा। हम लोग गुरुद्वारे भी गए, हम लोग कुछ सिखों द्वारा संचालित विद्यालयों में भी गए। तो वहां पे हम लोगों ने ये पाया कि केवल उन्हीं की भाषाओं में ही लिखा हुआ है। वहां पे मदरसों में उर्दू इस प्रकार की लिखी हुई है कि वो अपठनीय है, तो उससे वहां की सही स्थिति नहीं पता चल पा रही है। तो उसपे ये हमारे आयोग की हम लोगों की ये राय बनी कि उर्दू के साथ साथ हिंदी लिखना बहुत जरूरी है। कहीं पे जैसे लिखा है कि मोहम्मद अहमद, मोहम्मद उमर, तो उसको उर्दू में ऊपर लिखा है, अगर नीचे हिंदी में भी लिख दिया जाए तो बिल्कुल पारदर्शी रहेगा। हर आदमी, वो चाहे आयोग का सदस्य हो या शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी हो या कोई माननीय मंत्रीगण हो, तो वो उसको अगर देखेंगे तो बिल्कुल उनके समझ में आ जाएगा। तो उससे बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी कि उस विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या क्या योजनाएं संचालित हो रही हैं। तो इस चिट्ठी का मुख्य सार ये है कि हमारी सरकार जो पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक योजनाओं में पैसा दे रही है, उनका किस प्रकार वहां पे क्रियान्वयन किया जा रहा है, टीचर्स कितने हैं, योग्य हैं कि नहीं हैं, उनको तनख्वाह दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। तो वो उर्दू के साथ साथ हिंदी में रहेगा, तो वो हर आदमी बिल्कुल वो सार्वजनिक रहेगा, कोई भी पढ़ सकता है। जो भी अल्पसंख्यक संस्थान हैं, अगर कहीं पे गुरुमुखी में लिखा हुआ है या किसी चर्च में केवल अंग्रेजी में लिखा है, तो राष्ट्रभाषा जो है उसका सम्मान होना चाहिए। हमारी जो सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। अगर उर्दू के साथ साथ या किसी भाषा के साथ साथ हिंदी लिख दी जाए